हेलो फ्रेंड्स, आतिश पंजाबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मसाला मैगी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप सोच रहे होंगे मसाला मैगी ये किसको बनाना नहीं आता। जी हाँ, ये सबको बनाना आता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो और भी टेस्टी बनेगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और साथ में दिए बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। मसाला मैगी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है। अब मैंने इसमें प्याज डाल देने हैं। ये मैंने 2 प्याज जो मीडियम साइज के चॉप करके रखे हैं, इसको मैं 2 मिनट के लिए अच्छे से सॉटे कर लूंगी। मटर अगर आपने फ्रोजन लिए हैं तो आप मसाला बनाने के बाद डालें, अगर आपने कच्चे मटर लिए हैं तो आप उसको प्याज के साथ ही डाल दें। मैंने कच्चे मटर लिए हैं तो मैं इसको प्याज के साथ ही डाल दूंगी, ताकि ये अच्छे से पक जाए। फ्लेम को हम तेजी रखेंगे। प्याज और मटर को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें टमाटर एक जो मैंने काट के रखा था उसको डाल देंगे, और टमाटर हमें तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। अब मैं 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसमें सॉल्ट बिल्कुल टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूंगी। नमक आप थोड़ा कम ही रखिए, क्योंकि टेस्ट मेकर में भी होता है। 1/4 स्पून मैं रेड चिल्ली डालूंगी, 1/4 स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 स्पून गरम मसाला, 1/4 चम्मच में धनिया पाउडर डालूंगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। चलिए तो चेक कर लेते हैं, मसाला हमारा पक गया है अच्छे से, मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैं 2 पैक मैगी के यूज करूंगी, 10 रुपीज वाले, और इसमें हम उसी के अकॉर्डिंग पानी डालेंगे। मैं 2.5 कप पानी डालूंगी। अब हम इसको बॉईल होने तक वेट करेंगे। तो मैंने 10 रुपए वाला मैगी का पैक लिया है, वो मैं 2 पैक यूज करूंगी उसमें, और इसको हम काट के डाल देंगे पैकेट को। मैं मैगी को कढ़ाई में डाल दूंगी। ये 2 पैक मैगी के मैंने तोड़ के इसमें डाल दिए हैं। अब इसको सॉफ्ट होने तक वेट करते हैं, और इसमें अब मैं टेस्ट मेकर भी डाल दूंगी, जिसके बिना मैगी बिल्कुल अधूरी रहती है। ये मैंने टेस्ट मेकर का 1 पाउच डाला है, अब मैं इसमें दूसरा भी डाल दूंगी। इसको मिक्स कर देते हैं और बॉयल आने तक वेट करते हैं। 1 स्पून में अमूल का बटर डालूंगी, इससे इसका फ्लेवर और भी बढ़िया हो जाएगा। ये पानी इसको सूखने तक हम इसको पकाएंगे। अगर आप थोड़ा पानी ज्यादा रखना चाहते हैं तो आप इसको कम पका लें। लास्ट में लेमन, जो इसका फ्लेवर और भी बढ़ा देगा। इसको मैं अच्छे से स्क्वीज कर देती हूँ हाथों से ही। लेमन के साथ इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, और ये इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट का काम करेगा। 1 मिनट के लिए हम इसको और पकाएंगे, फिर हम इसको उतार लेंगे, और जो ये बीच में पानी है वो अपने आप गाढ़ा होता जाएगा। हमारी मसाला मैगी बिल्कुल रेडी है।
अगर आप थोड़ी सूखी मैगी चाहते हैं तो इसमें 2.5 कप पानी डालें, अगर आप कम पानी वाली मैगी चाहते हैं तो आप इसमें 2.25 कप पानी ही डालें। हमारी मसाला मैगी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इसको प्लीज जरूर ट्राई करें, ये बड़े और बच्चों दोनों को ही पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।